नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया में। बात करने वाले हैं यहाँ पर सेकंड एग्जामिनेशन यानी कि क्लास टेंथ के आरबीएससी के इंग्लिश के पेपर के बारे में, और आपको बताएंगे यहाँ पर उसकी आंसर की भी, इसलिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले आगे भी आने वाले पेपर्स की आंसर कीज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे जरूर से दबाइएगा और उसके साइड वाला बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज और आंसर कीज सबसे पहले देखने को मिल सके। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे और आपको बताएंगे आज के पेपर की आंसर की। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले पैसेज वन की। पैसेज वन के अंदर आपके सामने पांच क्वेश्चन थे और उसके ऊपर एक पैसेज था। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो यह था कि द जायंट सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो फोर्थ लाइन है उसी में यह चीज लिखी हुई है। It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with the lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। अगर ये लिखा है तो आपको पूरा एक नंबर मिलने वाला है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हु वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री। तो यहाँ पर आपको इसकी अगली लाइन पर ही इसका आंसर मिल रहा है। द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड इट। आपको द बॉय या लिटिल बॉय तक ही लिखना था। उसके बाद था व्हाट डिड द जायंट फेस ग्रो रेड विथ एंगर। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइन नीचे आने के बाद ही इसका आंसर भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ही सन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू फेस ग्रू रेड एंड विथ एंगर एंड ही सेड। तो ये ही सेड वाला पार्ट था वो आपको लिखना नहीं था, बल्कि ये जो नीचे वाला पार्ट है फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फिट। यहाँ तक आपको लिखना था, ये बीच वाली एक लाइन आपको काट लेनी थी। वहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जायंट। तो यहाँ से आपको लिखना था कि चाइल्ड सेड या चाइल्ड रिप्लाइड, यहाँ पर जो फर्स्ट ने और उसके बाद बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, यहाँ से आपको लिखना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड्स वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन। तो यहाँ पर दो थे जिनके दो मार्क्स थे एक्सट्रीमली लार्ज पर्सन एंड इंजरी। तो एक्सट्रीमली लार्ज पर्सन यानी कि एक बड़ा पर्सन जो जायंट और इंजरी की जगह वाउंड, अगर आपने ये दोनों लिखे हैं तो आपको बिल्कुल मार्क्स दो मिलने वाले हैं और पूरे मार्क्स मिलने वाले इस पैसेज में अगर ये आंसर लिखे हैं तो। चलिए पैसे सेकंड में आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड कॉलरिज सेड अबाउट वाटर। तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है वाटर वाटर एनीवे नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये कहा था उसने और यही आपको वाटर के बारे में लिखना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेवंथ क्वेश्चन, उसमें आपको लिखना था इसका आंसर जिसमें पूछा गया था व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस, यानी कि वाटर की कमी के कारण इसका सिटी के पीछे का कारण क्या है और इसके इसको क्या बनाते हैं, मतलब कौन इसकी कल्प्रिट्स है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें नीचे ही लिखी गई थी इसके, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है कल्प्रिट्स आर वी द पीपल फॉर वी वेस्ट वाटर विथ। यहाँ पर आपको ये जो आंसर था वो लिखना था कि इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर वॉशिंग क्लोथ्स क्लीनिंग डिशेज बाथिंग फ्लशिंग सेविंग एंड इवन ड्रिंकिंग, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर। तो यहाँ का जो आंसर की बात करें तो इसमें सेकंड पैराग्राफ का शुरुआत से इसका आंसर था, आपको थोड़ा सा आगे से इसको लिखना था कि यहाँ पर लिखने के बाद बिकॉज लिखकर रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स लेक्स एंड पॉन्ड्स आर श्रिंकिंग एंड वेल्स आर ड्राइंग अप, यहाँ तक लिखना था इसका आंसर। जो नाइन्थ क्वेश्चन था वो दो मार्क्स का क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन भी था। इसमें लिखा था व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत थी कि जो इसका आंसर है वो सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से शुरू होता है,
लेकिन ये लास्ट तक चल रहा है। लेकिन जैसा कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको आपको 30 वर्ड के अंदर या फिर 15-20 वर्ड्स के अंदर समाहित करना होता है। तो आप अगर ये पूरा आंसर लिख के आए तो आप गलत हो सकते हैं और आपको 1 नंबर ही दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसे समझ कर लिखा है तो आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट करती है वो चीज़ें लिखनी थी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यहीं से शुरू होता है, लेकिन ये यहाँ तक आपको नहीं लिखना था, ये थोड़ा सा आपको काट कटा के लिखना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन, उसमें आपको जो फर्स्ट मैसेज है उसी की तरह वर्ड्स ढूंढने थे। सेकेंड जो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेकेंड पैसेज का जो 10th क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था सेंसिबल एंड केयरफुल यूज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का सही से उपयोग करना। तो आप इसके लिए सेकेंड जो पैराग्राफ है यानी कि यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा, ये है जुडिशियस। जुडिशियस यानी कि सेंसिबल एंड केयरफुल यूज ऑफ समथिंग। उसके बाद जो बी है वो है द प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो प्रिजर्वेशन है वो कंजर्वेशन हो सकता है, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज को बचाना, वाटर को बचाना, वाटर कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन आ सकता है प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की जगह। ये थे 2 पैसेज। अब बात कर लेते हैं उसके बाद राइटिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर 2 जो लेटर मिले थे, एक लेटर था जो आपको लिखना था कि आप शुभम है जो कि अजमेर में रह रहे हैं, आपका दोस्त कुणाल नाम का एक लड़का है जो गोल्ड मेडल जीता है एथलीट के अंदर, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए लिखना था। इसके नीचे ही एक और लेटर है जहाँ पर आपको बताया गया कि आप मिताली हैं, और एक एडिटर को लेटर लिखिए न्यूज़पेपर के किसी भी, और आपको बताना है कि एयर पोल्यूशन आपके कॉलोनी में आपकी लोकेलिटी में कितना है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि लिखना था। यहाँ पर ज़रूरत क्या थी, आपको सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसे सही से लिखे, यानी कि पहले सेंडर्स एड्रेस ऊपर, यानी कि आपका खुद का एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाले के एड्रेस, यानी कि जो इसमें मिताली लिखा है उसका आप कुछ भी लिख सकते हैं। वही बीच में डेट लिखनी थी, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस यानी कि एडिटर का एड्रेस, जहाँ पर आपको कंपनी का नाम यानी कि जिस न्यूज़पेपर एजेंसी को आप भेज रहे हैं उसका नाम, और ये सब लिखने थे। उसके नीचे आप सब्जेक्ट और उसके नीचे सर लिखने के बाद आप लिख सकते हैं अपना पूरा जो भी लिखना चाहते हैं उस मैटर को। लिखने के बाद आपको नीचे लिखना था योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, ये लिखने के बाद मिताली लिखकर आपको पूरा कर देना था। अगर इतना कर लेते आपको तो पूरे 5 नंबर मिलते हैं। अगर आप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट लिख देते तो भी आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाते हैं और बीच वाले जो चीज़ थी उसके मार्क्स नहीं मिलते। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना था जो आपने लिख लिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो स्टॉप चाइल्ड लेबर, एक आपके सामने इमेज भी दर्शाई गई थी जिसमें चाइल्ड लेबर को दर्शाया गया है, और आपको इट्स क्रूअल और इट्स क्राइम, ये चीज़ें आपको लेनी थी इस पैसेज के अंदर। आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलने वाले हैं, निश्चित रहिए। सेक्शन सी के अंदर ग्रामर सेक्शन था, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व्स, क्योंकि ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है तो ये रिवॉल्व्स होगा। भाई राम हैड अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, माफ करिएगा अराइव्ड, और जो नीचे वाला है सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। वहीं वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। वहीं जो नेक्स्ट है आई मेट अ स्ट्रेंजर फेलो यस्टरडे। वहीं शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। और जो नेक्स्ट है वो यह है कि वी सेल गो आ जाएगा, क्योंकि वी विल गो भी लिख सकते हैं, सेल गो भी लिख सकते हैं, यानी कि सेल आई और वी के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अब विल भी यूज किया जाता है, यानी विल गो भी हो सकता है। वहीं ही यूजली गेट्स अप, गेट्स क्यों, क्योंकि ये ही एक सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए गेट्स आएगा और उसके बाद अप। तो इतना अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलने वाला है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस को जोड़ना था जो पीछे दिए गए शब्द को लेते हुए। तो यहाँ पर जो था वो दैट इज द टीचर, और सेकंड था ही टीचेज अस इंग्लिश। तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश। वहीं सेकंड हियर इज द स्टोरी आई वांट टू टेल इट,
Here is the story that I want to tell. ये हो सकता है इसका answer. वहीं अगर बात करी जाए जो 16th question है उसमें passive voice में convert आपको करना था तो यहाँ पर children are flying kites. तो kites are flown by children. और जो next है the police has arrested the thief. The thief had arrested by the police. ये होगा. तो अगला है Ram said, did you like the movie? तो इसका राम asked if I liked the movie. They said hurrah, we have been the match. We have won the match. तो यहाँ पर they exclaimed that they won the match. वहीं next है shoot the prisoner, said the officer. तो यहाँ पर the officer commanded to shoot the prisoner. She said to the teacher, please explain this question to me. She requested teacher that explain this question for me. For her होगा me नहीं, me तो जो सीधी voice है direct के लिए आता है, indirect में her हो जाएगा. तो next है fill in the blanks, उसमें a soldier must fight for his country. And the next Rohit can solve the sum easily. तो ये था grammar section. अगले यहाँ पर section D है और section D के अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक वाले हैं. अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं. यहाँ पर आपके सामने दो पैसेज दिए गए थे, उन्हीं में से ये नीचे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. तो आपको इनके भी आंसर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.